नमस्कार प्रणाम सबके नमस्कार। बड़ा खास बात करे ले ही हो काहे कि मगहिया जमाने कुछ मतलब नौकर समझे लगलती है समझला है अपन काम करे हाँ जे वो कहते हुए हम कर भाई लाइन पे बना रही है कॉल रिकॉर्ड को तोरा सुना वो। अरे हाँ जी आयांश के मम्मी नेहा सिंह जी के फोन अली हल कल हमरा जब हमने वीडियो बनाए ले हली कल अगर कॉल रिकॉर्ड भी सुना वो लगा पहले ही वीडियो खूब शेयर कर दिया है समझला है कि ना एक वीडियो बनाए ले हली आई हमने के लगातार हमरा और समर के लोग फोन करी थल थी मैसेज करी थल थी कि भैया वो आयांश का क्या हुआ हमको वो तो बात के चीज है क्या हुआ ना हुआ हो जाए लेकिन 10,000 रुपए का जरूरत है हमारे मम्मी यहाँ है भारती वहाँ है तो उसी के ऊपर हमें कल वीडियो बनाया है तो वीडियो इत्तेफाक दिखा दिया कोई उनको तो हमारा फोन किया फोन करके कैसे हमारा गरजे हैं हमारा पर वो आप सबको सुनाते हैं और देखिएगा। और तो और एक बात और याद है ना आपको पत्रकार कैसे लथाड़ी थी मतलब सब एकर बस में है जो कहेगी वही हमने करेंगे सुनेंगे पहले सुन लीजिए रिकॉर्डिंग कैसे का कहा है। हेलो 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 जी कौन जी हम आयांश की मम्मी बोल रहे हैं जी बोलिए मैडम। हाँ आप जो वीडियो कल बनाए हैं जी हमको उसके ऊपर बात करना है। मैं इवनिंग में बात करूं क्या ऑफिस में हूँ अभी मैं इवनिंग में बात करता हूँ भैया सुनिए ना इवनिंग में बात करना है नाइट में बात करना है सुनिए ना मेरी बात आप मैं सुनिए ना उतना नहीं सुनूंगा मैं बोला ना कि ऑफिस में हूँ मैं अभी सुनिए ना किसी के ऊपर वीडियो बनाने से पहले ये नहीं सोचते कि आप ऑफिस में रहेंगे बात करने वक्त या कहाँ रहेंगे ये नहीं समझ आता अच्छा, रखूं की बात में करेंगे आपको ऑफिस याद आ जाता है सुनिए ना इसलिए बोल रहा हूँ ऑफिस याद नहीं आता दूसरे की परेशानी आपको नहीं मिलती अपना सुनिए ना मेरे जोनल में एगो बगल में कोई रिश्तेदार था समझे रिकॉर्डिंग हम बंद कर दें एगो बगल में कोई रिश्तेदार था और कैसे चिल्ला रही है लास्ट में से भी सुनिए एगो बगल में कोई रिश्तेदार के बैठेले थी समझे हम बोले कि मैडम इवनिंग में बात करें क्या हमारा एक्चुअली मुंबई से जोनल मैनेजर आए हुए थे जेडीएम और रीजनल मैनेजर काम था खास काम था वर्किंग पे थे हम बोले कि मैडम इवनिंग में बात करें क्या चिल्लाने लगी तो सुनवे कर रहे हैं कैसा टोन है और बगल से गांव आदमी उठा बगल से गांव आदमी उठा कर रहा है वीडियो बनाते अरे भाई ये खास करके आयांश पर वीडियो नहीं था जो भाई पूछ रहे थे हमारा पता ना है कि तू क्या करोगे 7.5 करोड़ ठीक है ना लेकिन हम दिए थे हमारा हक बनता है हम अपने प्लेटफॉर्म से मैडम के कहना है ₹10,00,000 दिलवाए थे मैडम के कहना है कि डायरेक्ट हमको फोन करके काहे नहीं पूछे आपका हर एक समय हर एक नया नया नंबर आते रहता है मैडम कैसे पूछे क्यों पूछेंगे अगर हजारों भाई हमसे पूछ रहे हैं कि उस मैटर का क्या हुआ तो फिर हम क्यों नहीं बताएंगे हम पूछेंगे और तुमसे जवाब लेंगे और हम जब अपने बलबूते पे आपको डोनेशन दिलवाए हैं यही वीडियो बना के तो यही वीडियो बना के हम पूछेंगे काहे नहीं और डोनेशन लेते समय पूछे गए थे का तो मैडम 10,00,000 रुपया आपके अकाउंट में डाले का मैडम एक बात बतावल चाहेंगे ये वीडियो भी आज देख लीजिए कि हम आयांश के बोलने नहीं आए थे हम बोलने आए थे उन बच्चों को जो 5,000 और 10,000 के वजह से मर रहे हैं और हम लोग सोशल मीडिया पे नहीं मांग पा रहे हैं उनके लिए सहायता क्योंकि लोग उसको अभी फ्रॉडगिरी का नाम दे देगा जैसे अब 7.5 करोड़ के हिसाब तो मैडम लेते रहेंगे जब तक जिंदा है तब तक हम बोलते रहेंगे और बोलने के लिए आपसे पूछने नहीं आएंगे क्यों उसके बाद फिर आप एक आध बार भी लाइव आके कहे नहीं बोली है कि ये हो रहा है आंस का ये हो रहा है कहे नहीं किसी पत्रकार को आप कहे नहीं बुला के हिसाब दिलवाती है भाई खा जाएगा मैंने कहा मैडम और अगर आयांश जी के लग रहा है भगवान करे स्वस्थ रहे मस्त रहे वो और सुरक्षित रहे है ना भगवान करे उनको बीमारी ठीक हो जाए लेकिन उनको जो तबियत में दवा पानी गैस लग रहा है हाँ। मैडम वो तो आपको अपने पैसे से करना होगा ना वो 7.5 करोड़ को हिलाना ना होगा कहे कि इतना आपके पास है और इतना सक्षम है 7.5 करोड़ आदमी इंजेक्शन के लिए दिया था बिल्कुल अब कहिए कि हम घर के ढलैया करवा रहे हैं थोड़ी ना होगा थोड़े होगा अब इसके बाद देखिएगा वो भाई का फोन आया था रिकॉर्डिंग आया रिकॉर्डिंग है व्हाट्सएप पे उसका फोन ना उठाएं पहले उसका चेहरा हम दिखा देना चाहेंगे इस साहब को आप पहचान रहे होंगे ठहरा बिहार के साथ ही खाड़ है आदमी अभी हालांकि जेल में है अभी या जेल से बाहर पता नहीं है है ना कुछ मुद्दा में चला गया था ये हमारा मैसेज करके देखिए क्या कह रहा है व्हाट्सएप मैसेंजर पर किया है सुनिए अश्लीलता से मुक्त बिहार वाला जो आप चला रहे हैं अश्लीलता से मुक्त बिहार तो बना लीजिएगा लेकिन आपके दिमाग में जो अश्लीलता है उसको कैसे बाहर निकालिएगा जब आपको 1,000 बार मतलब हम अश्लीलता के मुहिम चला रहे हैं ठीक है लेकिन हमारे दिमाग में अश्लील ई है कि हम आयांश पे कैसे बोल दिए ई कैसे कहां से अश्लील है भाई का नाम है इनका कुछ पता है फलाना चलना के नाम धाम पता ना है भैया फोटो दिखा दी और तो और आगे क्या कह रहा है सुनिए आई जी व्यू के कमी हो गया था का
जो वीडियो आयांस पे बनावे लगे, तो हम बता दे और लोग भेज दीजिएगा इनको, समझे कि नहीं, बता दीजिएगा कि सबसे एक महीने के सबसे कम व्यू वाला वीडियो है, सरवा के सबसे कम वीडियो वाला व्यू यही है, खुदा ना खास्ते। देखिए कैसे कह रहे हैं आगे, आप लोग पता है क्या है, आप लोग कभी सुधरने वालों में से नहीं है, आपको कितनी भी बार बोला जाए, तरीके से बात किया जाए तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। मैंने अब गुंडाई करेगा, तरीका से हमरा समझा रहा था हम ना समझ रहे हैं, मैंने एक मुद्दा है तो हमने ना बोले है ना, और फाइनली जहिना जरूरत था, जहिना जरूरत था तहिना हम लोग 20 वीडियो एक दिन में बनाए, तो इनको ठीक लग रहा, बहुत बढ़िया लगा। आज अगर 10 महीना और 6 महीना बाद एक वीडियो बना रहे हैं तो इनको बहुत दुख पहुंच रहा है। गप्पा गप जा रहा था, पैसा फिर बढ़िया लग रहा था। तब तो आज वही मोटरी वाला चेंज के हिसाब मांग दिए, खाली पूछ दिए, 7.5 करोड़ कहाँ है, अगर का हो रहा है तो तकलीफ हो गया, तकलीफ होगा भाई, हम बोलते रहेंगे, ठीक है ना। और एक बात और बतावल चाहेंगे कि हमने आज उन गरीब बच्चों का भी सेवा और समर्थन और डोनेशन नहीं मांग पा रहे हैं जो बेचारे 50,000 लाख रुपए की वजह से मर जा रहे हैं। मैडम ज्यादा भी इंसानियत बचा है ना, तो हम आपके बच्चे के लिए कोई हमारा द्वेष नहीं है, फिर से जाइएगा और फिर से वीडियो देखिएगा। आपका बच्चा आपका बच्चा है, लेकिन हमको पूरे हिंदुस्तान के हर बच्चे से हमको प्यार है, सबको देखना है हमको। उसको तो आप रोक दिए हैं मैडम, आपका मुहिम ने रोक दिया है, काहे ना वो कॉलेजवा बेच के और घर घर द्वार बेच के 7.5 करोड़ के तो प्रॉपर्टी होबे करेगा, जिगर उतना बड़ा आईटीआई कॉलेज है। बिल्कुल, अब तो इंजेक्शन दिलवा देना चाहिए था मैडम, अब सोचे कि सब 16.5 करोड़ लोगे दे दे तो कुछ घर से भी करे पड़ता है ना मैडम। बच्चा ऐसा 10 बच्चा का रिक्वेस्ट आया है जिगर 30 लाख खर्चा है, 25 लाख और परिवार जुगाड़ कर लिए। हम वीडियो बनाए हैं, शुरुआत में बोले हैं एगो भाई के 10 लाख की जरूरत है, 8 लाख का जुगाड़ कर लिया, 2 लाख के वजह से 2 लाख रुपए मांग रहा था। लेकिन खैर कुछ भी हो, अब लगेगा बच्चों को तो भैया लोग नाराज हो या हो नहीं रह जाता है, हम संभवता डालेंगे जिनको सेवा करना होगा और जिनको लगेगा कि हमको सहायता करना है, हेल्प करना है तो कीजिएगा, क्योंकि एकरा वजह से अब लाखों लोग मरे ये भी कोई इंसानियत वाला बात नहीं है, समझे। और मैडम तोरा से वीडियो ला हम पूछबे ना, जे हमरा मानसिकता और जेकरा मन करती ना लोग के हम सुना हिए, जे लोग जब जब पूछता थी स्क्रीन पर जाके हम सवाल करबे, अगर तोरा हमर निष्पक्ष भाव से जवाब देवेला हो तो वीडियो के माध्यम से आज दिन रात बैठा रहल तू ना, एक आदो बुला ला ओकरा और बुला के दे कि हमरा इतना बच रहा है, इतना अकाउंट में इतना खपत कर दिए, लेकिन हम फोन करके हिसाब ना लेंगे मैडम, ताकि पैसा डलाते समय हिसाब ना लिए थे, समझे। बाकी देखिए और वीडियो को खूब शेयर कीजिए, काहे कि इजाजत ना लिए, अब हमारा इजाजत लेते तो उनके इशारे पे हम चलते, जो मगर यह जमन के इशारा पर तो चलता नहीं किया है ना, तो विदा लेना चाहेंगे, नमस्कार प्रणाम जय मगध।